वेलकम टू मैथ क्लास एन एल आमीन क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, एवेलुएट द गिवन लिमिट, लिमिट को हमने एवेलुएट करना है। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे राइट करते हैं गिवन लिमिट। लिमिट क्या गिवन है हमें, जो लिमिट है ना वो क्या है, एक्स अप्रोचेस टू -1 है, और यहाँ पर क्या है, x10+x-5+1 डिवाइडेड बाई x-1। सिंपल हम क्या करेंगे, एक्स अप्रोचेज टू -1 है ना, तो यहाँ पर राइट कर लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू -1, और यहाँ पर इसको राइट करेंगे क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1, और यहाँ पर क्या है, x10+x-5+1/x-1। अब हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ पर हम x नज़र आ रहा है वहाँ पर हम -1 को पुट कर देंगे। x यहाँ पर है तो -1 आ जाएगा, पावर 10 है तो 10 आ जाएगी, प्लस का प्लस आ जाएगा, x की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे, पावर 5 है तो 5 आ जाएगी, प्लस 1 का 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में x नज़र आ रहा है तो यस उसकी जगह -1 पुट कर देते हैं, और ये -1 एज इट आ गया। अब हम क्या करेंगे, -1 की पावर 10 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट आपने ये बात याद रखनी है, सिंपल जो मेथड है वो ये है कि जब भी बेस में नेगेटिव साइन होता है, पावर जो है हमारे पास इवन होती है ना, तो माइनस नहीं आता आंसर के साथ, ठीक है। और हमने एक तो माइनस नहीं लगाना, जस्ट 1 लगाना, 1 की पावर 10 का मीन है 1 को 10 टाइम्स राइट करो, 1 × 1 × 1 × 1 तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो याद रखना है जब भी हमारे आपके पास 1 हो बेस में और माइनस का साइन हो ना, और पावर इवन हो तो इधर माइनस नहीं आना, और बेस में माइनस साइन हो, पावर ओड हो तो माइनस आना है, ठीक है। तो प्लस का प्लस आ जाएगा, -1 की पावर 5 है, 5 जो है ऑड है तो इसका मतलब माइनस आना है, -1 की पावर 5 -1 की इक्वल हो गया, ये +1 का +1 आ गया। डिनोमिनेटर में -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2, -2 होता प्लस है, साइन माइनस का आता है, साइन माइनस का आता है करना प्लस है, तो 1 1 2 हो गया। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 का 1 प्लस -1 का 1 प्लस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में -2, ये पॉजिटिव 1, ये -1 से कैंसिल, जस्ट 1 ऊपर रह गया, डिनोमिनेटर में -2 रह गया, इसको करेंगे तो -1/2 राइट।